हेलो हेलो हेलो, फिल्मी रोस्ट में आपका स्वागत है। बहुत मिर्ची लगने वाली है, लोगों को बड़ा मजा आएगा देखने में। बेहतरीन तस्वीरें आपके लिए लेके आया हूँ, जो हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ने ऐसे कांडी तस्वीरें खिंचवाई हैं अपनी जिंदगियों में। हो सकता है आपने कई सारी देख भी रखी हो और हो सकता नहीं देखी हो, लेकिन डिस्कस करना तो बनता है। ये तस्वीर हमारे अक्षय भैया छाती के बाल का शो ऑफ करते हुए, पहले जो है वो निशानी हुआ करती थी ना मर्दानगी की, भाई ये छाती के बाल नहीं है, ये जो है अमेज़न का जंगल लिए घूम रहे हैं भाई। यहाँ पे अगर आप आग लगा दोगे तो वाइल्ड फायर कहा जा सकता है उसको भाई, मतलब। और इस जंगल में जो है बहुत सारी हीरोइने कैंपिंग भी कर चुकी है, यू नो बड़ा हरामी हो बेटा, मतलब मैं कुछ नहीं यार, मतलब इतना चलता थोड़ा। अक्षय कुमार और छाती के बालों का रिश्ता पुराना है भाई। इन बालों में अगर कोई गलती से मच्छर फंस गया, उसके लिए बाहर आना मुश्किलें नामुमकिन हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन आजकल तो अक्षय भैया जो है काफी छाती क्लीन शेव करा के घूमते, एकदम सब ट्विंकल मैडम का है। जब से ट्विंकल मैडम आई है जिंदगी में, सारे हुकुम माने जा रहे हैं। भैया घर में रहना है तो तमीज में रहना पड़ेगा, ये छाती के बाल दिखाते हुए नहीं घूम सकते। और मतलब छाती के बाल तो मेरे भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या मर्द नहीं हूं मैं? नहीं ए, सच नहीं बोलेगा कोई? नहीं नहीं आज आई एम प्रॉपर स्ट्रेट मैन, ठीक है। ये सब बातें अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं बाहर। हाँ ओके नेक्स्ट। ये है भैया आज तक की सबसे बेहतरीन पिक्चर, मतलब रेखा और काजोल एक साथ, इतना ऑकवर्ड कभी फील नहीं कराया हमको जिंदगी में। इन दोनों को देख के लग रहा है द फीमेल अटेंशन आई वांट इन माय लाइफ, लेकिन मुझे कभी मिली नहीं। इतने प्यार से मुझे किसी लड़की ने नहीं देखा है भाई आज तक, जैसे रेखा और काजोल मुझे देख रही है। चल झूठा, इसको मैं सोच रहा हूँ अपने घर पे पोस्टर लगा लूं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ, इतने क्या कपड़ों की कमी हो गई थी कि एक ही ड्रेस में दो एक्ट्रेस फिट करने का मन कर गया तुम्हारा? ये तो मेरे को लग रहा है किसी एक्टर की ड्रीम है। मे भी अक्षय कुमार इन दोनों के साथ भी भाई का लफड़ा है यार, किसी को नहीं छोड़ा अक्षय कुमार ने। उनका डायलॉग है ना, सब खा गया भाई अक्षय कुमार ने, मैं बता रहा हूँ सब खा गया, कुछ नहीं बचा। इस तस्वीर को देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा आप कभी कभी रोल ऑर्डर करते हो और जो फीलिंग गिरती रहती है पीछे से, ऐसा ही इस तस्वीर को देख के लग रहा है कि भाई बिल्कुल रोल में से फीलिंग बाहर आती हुई दिख रही है। तुम लोगों की तो बेटा फीलिंग नहीं, फीलिंग बाहर आ रही है, जरा संभाल के रखो, आगे और भी तस्वीरें। लेकिन कुछ ऐसे ही मेरे स्कूल में मेरे दोस्त मुझे देखा करते थे जब मैं खाने में मैगी लेके आया करता था कि भाई क्या लाया है, टिफिन खोलना जरा एक बार। आजकल मेरे ऑफिस के कलीग भी मुझे ऐसे ही देखते हैं जब मैं ऑफिस जल्दी आ जाता हूँ। 8 बजे आया हूँ आज मैं इस वीडियो के शूट के लिए, ठीक है, समझ जाओ तुम। अब ऐसे देखते ही हो, अरे हर्षित बड़ी जल्दी आ गया, इफ यू नो यू नो। मैं बता रहा हूँ आज की लिस्ट की सबसे ज्यादा मूड खराब कर देने वाली पिक्चर अगर कोई सी है तो वो ये वाली है भाई। मैं मतलब मैं पहली बार देख के मेरा मूड खराब हो गया था, मैं खाना खा रहा था भाई जब ये तस्वीर देखी। ये किस तरीके के शौक है भाई लोगों के, बगल के बाल पे कोई ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन, मतलब भाई थोड़ा मतलब यार ये तो ज्यादा हो। ये एक्चुअल में ये तस्वीर को कहा जा सकता है डर्टी पिक्चर, दिस इज एक्चुअल डर्टी पिक्चर भाई। ये तो चिट्टी है। और भाई एक्ट्रेसेस में दिमाग नहीं होता था क्या, वो मना नहीं कर सकते कि भाई नहीं खिंचाऊंगी ये तस्वीर, ये क्या है, क्यों है, क्या से ज्यादा भाई मूड खराब हो गया भाई एकदम। एक मिनट, सॉरी गाइस, माफ करना मेरे को बड़ा तकलीफ हो गई भाई। तो 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से, मतलब इस आदमी को देख के आप बता सकते हो कि इसको बर्थडे गिफ्ट में ट्रिमर लगेगा, या तो कोई बार बार का एड्रेस दो इसको जहां जाके ये कटवा के आ सके। भाई किस तरीके का शो ऑफ है यार, या तो कंघी ले ले भाई, कंघी से थोड़ा सेट ही कर लेता, इधर उधर जा रहे हैं बाल तुम्हारे बगल के। भाई ये बिल्कुल अलग मीनिंग निकाल लिया है मैडम ने, आई लव टू प्ले विद योर हेयर। मैम सर के बालों की बात हो रही थी, ये कहां के बालों के साथ खेलने लग गए आप समझिए थोड़ा यार। इस पिक्चर को मैं आज की लिस्ट में बेस्ट मूड खराब करो पिक्चर का अवार्ड देना चाहूंगा भाई, सबसे वाहियात पिक्चर, मतलब
हटाओ यार, अगले पे आगे बढ़ते हैं। भाई मेरा तो मूड खराब हो गया तस्वीर देख के। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। सबसे टफ कंपटीशन देने वाली पिक्चर, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज था कि इनको वन पे रखूं या टू पे, लेकिन यार वन वाली तो लेजेंडरी है इसलिए इनको टू पे ही रखना पड़ेगा। पापा रंजीत, इनको देख के मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, इस आदमी की शक्ल पे इतनी हरामियत है कि इन्होंने जो है न्यूड पिक्चर खिंचाई है फिर भी इनकी शक्ल से ही डर लग रहा है इस तस्वीर में। और भाई आप फोटोग्राफर को ये तो ख्याल रखना चाहिए यार, आदमी जो है नंगा लेटा हुआ है तस्वीर में और उसको गरम गरम सिगरेट दे दिए हाथ में, मतलब यार थोड़ा बहुत ऐश वैश इधर उधर गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी भाई, समझा करो बात को यार, ऐसी गर्म चीजों को आसपास नहीं रखना चाहिए जब आप न्यूड फोटो शूट करा रहे हैं। रणवीर सिंह तो बच्चा है भाई, रणवीर सिंह ने तो अभी कराया न्यूड शूट, पापा रंजीत जो अपने जमाने में करा के भूल चुके हैं भाई, पापा रंजीत लेजेंडरी। ठरकी पने का अगर अवार्ड सबसे ऊपर किसी के पास है तो वो शक्ति कपूर के पास जाता है सीधा, पापा रंजीत को। भाई पापा रंजीत के लिए एक बार सब कमेंट में लिख देंगे, बहुत जरूरी है भाई। उनका एक सीन मेरे को याद आता है, हाउसफुल में उनका एक सीन था, हीरोइन चल के आती कहती है ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, अक्षय कुमार बोलता है अरे नहीं नहीं पापा बहू है, बेटी बेटी बेटी। लेजेंडरी पापा रंजीत के लिए सलूट है भाई, कमाल के आदमी है यार, मजा आ गया। तो नंबर वन पे आज की जो पिक्चर है, मैं आपको बता, आप पूछ रहे होंगे ये क्यों लेके रखा है भाई मैंने आपने, अरे प्रोडक्शन ये दो ही कैसे रह गए, क्योंकि सारे तो भाई हमारे गोविंदा साहब ने पहन लिए यार, कैसे काम चलेगा। मतलब आप इस तस्वीर को देखिए, गोविंदा और जूही चावला इस पिक्चर को भी रोमांटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, आप ये गिफ्ट बन के कहां घूम रहे हो, कोई अनबॉक्सिंग कर गया तो तकलीफ हो जाएगी यार। मतलब ये है हमारी लेजेंडरी पिक्चर जो नंबर वन पे टॉप किया है जिसने। इन दोनों को देख के मुझे याद आता है कि उस जमाने के औरी और उर्फी जावेद अगर साथ में फोटो खिंचाते तो कुछ ऐसा ही रिजल्ट निकल के आता भाई, मैं बता रहा हूं आपको। ये क्या फॉइल पेपर, गिफ्ट पेपर भाई, जमीन पे रास्ते में जो सड़क पे पड़ा हुआ मिला वो उठा के फोटो शूट कर दिया क्या यार। इसमें गोविंदा को देख के मैं बोल सकता हूँ कि वो चीची मामा नहीं, वो छीछी मामा लग रहे हैं भाई, इतनी छी छी तस्वीर है यार ये, इसको देख के मेरी हंसी नहीं रुक रही भाई, मूड मतलब वो आम पिट वाली पिक्चर ने जितना मूड खराब किया था इस पिक्चर ने मेरा मूड उतना ही अपलिफ्ट कर दिया है। ये इकलौती पिक्चर है जो किसी ने गोविंदा को दिखाई होगी और उन्होंने अपने पैरों में गोली मार ली भाई, वो कहावत है ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, बट ये तस्वीर देख के उनको लगा हुआ भाई कुल्हाड़ी इज नॉट इनफ, मेरी बंदूक लेके आओ भाई मैं गोली मारूंगा खुद के, मैंने क्यों खिंचाई ये पिक्चर भाई। मैं तो इसको ले जाके एक तो ये वाली और एक रेखा और काजोल वाली, ये दो तस्वीरें अपने घर में लगाने वाला हूँ भाई, जब भी मुझे डिप्रेशन आएगा मैं इन दो तस्वीरों को देखूंगा और मेरा मूड बन जाएगा। आपको 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 ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, और भाई लाइक शेयर कर देना यार, बड़ी रिसर्च लगती है, मेरी बहुत बड़ी टीम है एक लोगों की जिसमें मैं ही हूँ, तो ये सब मैं लेके आता हूँ ढूंढ के तुम्हारे लिए, ठीक है। लाइक कर देना जाके, शेयर कर देना और कमेंट में बता देना कौन सी पिक्चर ऐसी है जो तुमको बहुत बढ़िया लगी भाई, मजा आ गया देख के। बाकी जो है ऐसे ही तड़कते भड़कते टॉपिक पे फिल्मी रोस्ट तुम्हारे लिए लेके आता रहूंगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगले रोस्ट के साथ मिलते हैं, मिर्ची लगती रहनी चाहिए, ठीक है, बाय बाय।